हमारे साथ सत्य प्रकाश जी हैं। सत्य प्रकाश जी एक बात बताइए, पहले सड़कों पे जो देखा जाता था एससी कैटेगरी को देखा जाता था, आज एससी एससी ओबीसी लोग सभी लोग ऐसे रोडों पे एक साथ चल रहे हैं, ऐसा क्या है? देखिए, इसका मकसद यह है कि पहले रिजर्वेशन को जो था ना, जो ओबीसी लोग थे वो एससी और एसटी का रिजर्वेशन मानते थे, वो ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मानते थे। ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली की सड़कों पर जब एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज इस क्रम में आगे बढ़े हैं, क्योंकि अब बात जब ओबीसी रिजर्वेशन की है, आज तक ओबीसी समाज अपने रिजर्वेशन के जो प्रोविजन है उनसे अनभिज्ञ था, उसे यही नहीं पता था कि रिजर्वेशन कैसे मिलता है। लेकिन जब अब 13 पॉइंट रोस्टर आया, क्योंकि इसमें अगर 13 पॉइंट रोस्टर से सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान होगा तो वो 49% जो है उसके अंदर 27% ओबीसी का नुकसान होगा, शेड्यूल कास्ट का 15% का नुकसान होगा, शेड्यूल टाइप का 7.5% का नुकसान होगा, लेकिन ओवरऑल 27% का ओबीसी का होगा। तो आज जो ये रिजर्वेशन की बात है, देखिए रिजर्वेशन कहीं भी संविधान के अंदर जाति आधारित और आर्थिक रूप से नहीं दिया गया, वो सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड जो भी समाज था उसके लिए दिया गया। परंतु जैसे सरकार 10% रिजर्वेशन लाती है, वो 10% रिजर्वेशन को कहाँ अकोमोडेट करेगी? क्योंकि जो एस सी एस टी का जो रिजर्वेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है, जबकि जो ओबीसी का रिजर्वेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन नहीं है। तो आपका जो ये सवाल है कि आज ओबीसी भी अब जाग चुका है, और जो ये 85 बनाम 15 की लड़ाई है वो आज यहाँ आज सड़कों पर है।